आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झुग्गियों पर बीते कुछ दिन से हो रही तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा है कि 11 साल से भाजपा दिल्ली को बर्बाद करने में जुटी हुई है। भाजपा सांसदों के पास दिल्ली वालों के लिए समय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले DDA रेलवे विभाग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिस पर भाजपा सांसद की मौन मंजूरी है। यही वजह है कि सैकड़ों तोड़ दी गई है, कई को नोटिस मिल रहा है, लेकिन भाजपा के सांसद एक बार उनके बीच नहीं पहुंचे हैं। पिछले लगभग 11 साल से दिल्ली के लोगों ने बंपर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिताए। बंपर मतलब बहुत भारी मार्जिन से इनके सांसदों को जिताया, लेकिन एक भी काम कोई ये नहीं बता सकता कि ये सांसद करके आए हों। रिपोर्ट तो ये भी है कि इन सांसदों ने अपनी सांसद निधि तक भी नहीं खर्च की। दिल्ली में 7 सांसद पिछले 2014 से हर बार भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। ढेले का कोई काम नहीं है, ना किसी से मिलना है। चुनाव जीतते ही राजा बन जाते हैं और राजा बन के फिर घूमने लग जाते हैं, इधर उधर बड़ी बड़ी जाके टीवी में बाइटे देते हैं और जमीन पर कोई काम नहीं है, किसी तरह से कोई एक्टिविटी नहीं है। दिल्ली का एक भी नागरिक ये नहीं बता सकता कि इन्होंने पिछले 11 साल में क्या काम किया। साथियों, काम ना करना तो एक इनकी आदत है, अब दिक्कत ये हो गई है, ये बड़े लेवल पे दिल्ली को बर्बाद करने पे भी उतर गए हैं। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के अंदर 2 बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। पहली घटना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा की गई, इन सांसदों के द्वारा की गई, पहली घटना चांदनी चौक में हैबर पास के आसपास बड़े लार्ज स्केल पे DDA ने डिमोलिशन किया। वहां पे 70 से 80 साल से लोग वहां रह रहे थे। DDA जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये सांसदों की अंडर आती है ये DDA, इन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे वहां पे तोड़फोड़ किया। सांसदों के निर्देश पे ऐसा लगता है कि इन्होंने किया, क्योंकि पिछले 5 दिन से वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, एक बार भी वहां पे गए नहीं। उनके लोगों को फोन तो उठाते नहीं, लेकिन जब उनको उनके लोगों को फोन किया गया तो बताया जा रहा है कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, वो है नहीं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।